ओम प्रकाश जी के जबान में फिल्टर नहीं है, वह योगी जी को मठ में पहुंचा रहे थे। घंटी प्रकाश राजभर जी मंचों से भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम किए, तो डिप्टी सीएम आए थे, सोचे थे कि गाली दिया है लोग नाराज हैं, लाओ निवरा के माफ़ी मंगवा देते हैं, सब लोग खुश हो जाएंगे। अब हो गया उल्टा, हो गया उल्टा, अभी लोग नाराज ही हैं। देखिए कई बार न प्रेस रिपोर्टर, न मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक, न प्रिंट मीडिया, महंगाई या बेरोजगारी सब न ये जान रही है, न मोदी जोगी अमित शाह महंगाई या बेरोजगारी को, ये शब्द उनके न माँ बाप ने पढ़ाया है और न ही मुख्यमंत्री आए तो इनके लड़के को निहुरा कर चले गए, आ एक उप मुख्यमंत्री आए तो इनको हसुआ थमा के कटवा के चले गए। फूल दे दे, कमल के फूल से लड़ते हैं तो कुछ हम लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, गाली हम लोग थूक जिस तरीके से घोटते हैं गाली भी घोट जाएंगे, नहीं तो छड़ी ओड़ी पर हम लोग वोट देने वाले नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त मैं मौजूद हूं सबसे चर्चित लोकसभा घोसी में, घोसी के मुख्य शहर जनपद मऊ में हूं और मऊ में चर्चाएं चुनावी तेज हो गई हैं, उसी चर्चा को लेकर हम भी चुनावी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस मऊ के मेन शहर में। बातचीत करूंगा कि लोकसभा का चुनाव इस बार किस तरह से यहां रहता है, हालांकि घोसी का चुनाव बड़ा ही चर्चित रहता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करूंगा। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमन पांडे है। पांडे जी बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए, क्या धन्यवाद। आप घोसी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला? घोसी चुनाव में देखिए इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राजू राय जी भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। अरे लोग तो कह रहे हैं अरविंद राजभर बढ़िया लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर देखिए अब क्या बताएं, दो दो डिप्टी सीएम अभी तक आ गए हैं, एक निवरा के गए और एक जो है उनको खेत में कटिया कराने के लिए उनके पिताजी को भेज दिए, और हमारी बात नहीं, ये सबके आंखों के सामने हुआ है। एक निवरा के गए और एक खेत में कटिया कराने के लिए भेज दिए, और दोनों लोग आए थे यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी का रूट वर्कर है वह नाराज है, उसको जो है समझाने के लिए कह रहे भाई इनके साथ रहो, लेकिन बीजेपी का रूट वर्कर भी जो है जो मुख्य धारा का कार्यकर्ता है उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, 1999 के बाद यह लोकसभा जो घोसी लोकसभा है, आदरणीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिलने जा रहा है जो विकास के रुके हुए पहिए को आगे बढ़ाने का काम जो है। एक चीज और चल रहा है, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं न कहीं ऐसी पार्टी है लगातार कार्य करती है, और बताया जा रहा है डिप्टी सीएम तो आकर अरविंद राजभर से आ जाइए, देखिए देख सकते हैं कि तमाम यहां चुनावी चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग इस चट्टी चौराहों पर मौजूद हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि डिप्टी सीएम तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं उनसे माफी भी मंगवाए अरविंद राजभर से। अच्छा ये बताइए, आखिर में यह बात आ गई ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज थे, इस बात में तो बल है। क्यों नाराज थे? अब नाराज देखिए वोट के समय अब नाराजगी खुल के आ गई कि ओम प्रकाश जी के जबान में फिल्टर नहीं है, वह योगी जी को मठ में पहुंचा रहे थे, घंटी बजवा रहे, बड़ा मंत्री पद पा गए, कह रहे हैं कि फिल्टर नहीं है उनके मुंह। नहीं देखिए क्या है ना कि आदमी को राजनीति में जबान का थोड़ा सा अपनी गरिमा को देखते हुए नेता को अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। वही नेता जी का भाषण ओम प्रकाश राजभर जी मंचों से भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम किए, तो डिप्टी सीएम आए थे, सोचे थे कि गाली दिया है लोग नाराज हैं, लाओ निवरा के माफ़ी मंगवा देते हैं, सब लोग खुश हो जाएंगे। अब हो गया उल्टा, हो गया उल्टा, अभी लोग नाराज ही हैं, देखिए कई बार निहुराते हैं। वो तो कहे मैं माफ़ी नहीं मांग रहा था, आशीर्वाद ले रहा था। देखिए 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 देखिए, एक माफ़ी मांगने में अगर हमने कोई गलती किया है तो जनता के बीच जाएंगे, कह देंगे कि भाई हमको आप माफ़ कर दीजिए, और वो जबरदस्ती वीडियो वायरल है, कह रहे हैं झुको घुटने के बल झुको, तो उसमें अंतर है, एक माफ़ी मांगना। और देखिए घोसी लोकसभा का जब आप निकालेंगे ना पूरा आज़ादी के बाद से, तो हमेशा यह जो सीट रही है क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ से झारखंडे राय जय बहादुर सिंह, कल्पनाथ राय जैसे विचारवान समाजवादी, और हमेशा यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को हराने का काम जो है घोसी की जनता ने किया है, और इस बार यहाँ
एक विकल्प मिल गया है राजू राय के रूप में, और इंडिया गठबंधन पूरे देश में एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ही एक विकल्प है, और राहुल जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, और तमाम जो इंडिया के नेता हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, सारे लोग मिलके आज मोदी जी का जवाब जो झूठा इलेक्टोरल बांड के नाम पे जो बहुत बड़ा स्कैम, जो बहुत बड़ा घोटाला देश की जनता को इन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को इन्होंने लूटा है। तमाम ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट सैंपलिंग में फेल हुए थे और उनसे इन्होंने चंदा उगाही किया है, चंदा के बदले धंधा दिया है। इनका पूरा भ्रष्टाचार और पूरा जो जुमला है, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी, कहाँ है रोजगार भैया, कहाँ है महंगाई। आज बच्चे जो है उनकी कॉपी किताब पे GST लगा हुआ है, हमारे भी बच्चे हैं, सबके यहाँ जो लोग खड़े हैं बच्चे हैं, कॉपी किताब कॉपी महंगाई आना मोदी कॉपी किताब महंगी है बच्चे जो है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा इंडिया गठबंधन, मैं ये कहना है कि न प्रेस रिपोर्टर, न मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक, न प्रिंट मीडिया, महंगाई या बेरोजगारी सब न ये जान रही है, न मोदी, जोगी, अमित शाह महंगाई या बेरोजगारी को, ये शब्द उनके न माँ बाप ने पढ़ाया है और न ही उनके शिक्षक ने। क्या नाम पड़ेगा आपका? ललन। ललन, ललन जी, जानकारी को लेकर अपने हाजिर हैं। देख सकते हैं कि जो घोसी का चुनाव है, इस समय सरगर्मियां उसकी बढ़ती जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत नहीं कर रहा हूं, यहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूं। क्या लग रहा है इस बार घोसी में? क्या घोसी लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में का एक ही संदेश है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी तो फिर कह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनका मुँह है वो बोल देंगे कुछ, आपका मुँह है कुछ बोल देंगे। आपने कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मोदी जी, जोगी जी, उनके किसी मंत्री, MLA, MP से नहीं पूछा कि महंगाई या बेरोजगारी पर भी आपको कुछ कहना है? देख सकते हैं कि हमारे साथ ललन जी ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। सवाल इस बात का है कि चुनावी चर्चाओं में हम लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता क्या क्या रुझान है उसे हम लोग लगातार दिखाने की कोशिश करें। शुभ नाम अपना बताइएगा। JP आर्या। JP आर्या, क्या लग रहा है घोसी इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। क्यों? बहुजन समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करने वाली? 5.5 लाख के करीब यहाँ पे दलित मतदाता है। अच्छा। और 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर चौहान मतदाता है। खास करके यहाँ पे जातीय संकट का चुनाव है, ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, ना कोई विकास का मुद्दा है। क्या लग रहा है भाजपा को चौहान वोट जहाँ बताया जाता देते हैं, इस बार माया बहन जी को भरोसा जताएंगे? ये तो भाजपा के सहारे खड़ी है छड़ी ना। अच्छा। तो यह तो कमल का फूल होता तो चौहान कुछ देर के रुकता। अच्छा। क्योंकि वो उसको आत्मीयता से लेता है, जिसे दलित मतदाता बहुजन समाज पार्टी से आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ है। ये क्लियर हो गया है कि चौहान इस बार बहन जी पर विश्वास जिताएगा? चौहान पूरा जो है, पूरे प्रदेश में चौहान जाति का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी एक उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, अब तक नहीं टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने भी एक टिकट नहीं दिया है। सिर्फ जो है बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल से खास करके जो है चौहान की प्रतिनिधित्व को देखते हुए वहाँ पे एक सीट देने का काम किया, इसलिए चौहान भी चाह रहा है कि हमारा प्रतिनिधि एक चुनकर सदन में जाए। देखिए, इन्होंने भी अपनी बात को वजनदारी से रखा है, इस बात पर विचार करिएगा, मैं इनसे भी बात करूँगा। शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह, बहुत स्वागत है। लोकसभा घोसी जो है बड़ी चर्चित लोकसभा मानी जा रही है, हालांकि ओम प्रकाश राजभर के नाते, क्या लग रहा है इस बार? ओम प्रकाश राजभर जो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, वजह ये है कि बसपा उम्मीदवार जो है, जो भाई साहब ने बताया कि 5.5 लाख दलित मतदाता है, तो मैं बता दूं क्लियर कट कि 4.5 लाख से ऊपर दलित मतदाता है, 3 लाख से ऊपर चौहान मतदाता है। इस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में चौहान को, जो मास वोट BJP का माना जाता है, चौहान को एक टिकट न देकर, लोकसभा का प्रतिनिधित्व न देकर, इन्होंने इनको भजाने का सिर्फ काम किया राम मंदिर के नाम पर। क्योंकि चौहान, पृथ्वीराज चौहान का वंशज होने के नाते हिंदुत्व प्रेमी है, जिसका फायदा BJP उठा रही है। और आज चौहान को ये लग रहा है कि हमको लोकसभा में एक भी OBC चौहान का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और बसपा जैसी पार्टी ने हमारे समाज को 3-4 जगह टिकट देकर चौहानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश, इस पूर्वांचल में चौहानों का करोड़ों मतदाता हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, हर
डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी केवल दारा सिंह को चौहान का जबरदस्ती नेता बना घोषित कर रखी है। चौहान का जबरदस्ती नेता, दारा सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है भाजपा में? देखिए, भाजपा में अस्तित्व तो उनका है, लेकिन समाज में अस्तित्व तो नहीं है। जबरदस्ती अमित शाह का वोटरों में, अपने वोटरों में अस्तित्व तो नहीं है, तो जबरदस्ती उनको चौहान का नेता घोषित किया जा रहा है। ये चौहान के नेता है। दरअसल चौहान चाहता है कि लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व मने मिले। यहाँ न कोई विकास का मुद्दा है, न कोई दुआ, या तो जाति फैक्टर से टिकट मिलती है। इस बार यहाँ चौहान बहन जी पर भरोसा जता रहे हैं? चौहान को भरोसा बहन जी पर भी जताना चाहिए, और हर जगह विधानसभा लोकसभा में चौहानों को बसपा कोट इस बार देकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए बीजेपी को, ताकि इसको समझ में आ जाए कि हम तुम्हारे बधुआ मजदूर की तरह नहीं है। देख सकते हैं इन्होंने भी अपनी बात को रखा है, जो इनके अंतरात्मा में इनकी बातें चल रही। मैं आपसे भी बात करूँ, सर बताइए, देख सकते हैं कुछ लोग बोलना नहीं चाहते। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामाश्री राजभर है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है, अच्छा लगा आप मिले हैं। क्या लग रहा है इस बार अरविंद राजभर भी अपनी ताल बड़े तेजी से ठोक रहे हैं? अरविंद राजभर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी लोग अंदरूनी तौर पर नाराज हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, इंडिया अलायंस के छह साथी भी हैं, ओम प्रकाश राव बगावत भी कर रहे हैं, क्या लगा? बगावत का कारण यह है ना कि उनको बोलने का तमीज नहीं है। अच्छा, पूरे जाति को उन्होंने गाली देने का कार्य किया है। माफी भी तो मांगे थे। माफी अब किसी को जूता मारे रोड पर और गली में माफी मांगे तो बेवकूफ लोग माफ करते हैं, और वो भी माँ की गाली, भद्दी भद्दी गाली दिए और जूता मारने का कार्य किए, जो वास्तव में कैडराई भारतीय जनता पार्टी का होगा वो छड़ी को ऊट कभी नहीं करे। क्या लग रहा है राजभर जी, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी लग रहे हैं और आपके समाज से ऐसे कैंडिडेट माने जा रहे हैं अरविंद राजभर, क्या लग रहा है? कैंडिडेट नहीं है। क्या लग रहा है तब घोसी में? यहाँ भाजपा तो कोई लड़ाई में है ही नहीं, भाजपा तो यहाँ तीसरे पर जाएगी। तीसरे पर? यहाँ अब लड़ाई हाथी और साइकिल की हो गई। गेहूं काटते हुए उनका बयान आया है कि इस बार हम टॉप लड़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री आए तो इनके लड़के को निहुरा कर चले गए, एक उप मुख्यमंत्री आए तो इनको हसुआ थमा के कटवा के चले गए। अच्छा, अब इन लोगों के साथ यही गिनती हो रही है, भाजपा वाले यही कार्य कर रहे हैं। पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, अपनी पार्टी की शिकायत आगे तक पहुँचवाइए। हम लोगों ने कह दिया है कि इनको माफ़ उसी शर्त पर हम लोग करेंगे कि इनको कमल के फूल दे दें। कमल के फूल से लड़ते हैं तो कुछ हम लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, गाली हम लोग थूक जिस तरीके से घोटते हैं गाली भी घोट जाएंगे, नहीं तो छड़ी ओड़ी पर हम लोग वोट देने वाले नहीं हैं। चलिए देखिए, ये भी अपनी बात को, जो इनकी अंतरात्मा में इनकी बात चल रही है, इन्होंने अपनी उगला है। और शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे सर? गुलाब चंद यादव। गुलाब चंद जी, और बताइए कैसा चल रहा है घोसी इस बार लोकसभा की? घोसी लोकसभा अभी तो करीब आने दीजिए, अभी तो धीमी गति से। लेकिन दिमाग और अंतरात्मा तो बता रही होगी क्या करना है। भाई राजू राय को हम लोग जिताएंगे। राजू राय को देख सकते हैं, यादव है, समाजवादी पार्टी को हो सकता है नेता भी होंगे। तमाम बातें मैं बातचीत करूंगा। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? देख सकते हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार घोसी चुनाव में क्या होने वाला है? अभी घोसी के जो जनता है बहुत साइलेंट मूड में है, क्योंकि पार्टियों से बड़ी इनकी अपेक्षा थी। अभी उपचुनाव का स्ट्रेटजी बना था और इस स्ट्रेटजी के तहत बाहरी और बनाम भीतरी करके चुनाव लड़ा गया, और इस बार यहाँ की जनता के विपरीत टिकट का वितरण किया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व के लोग, हम लोग के भी पार्टी के लोग भी इस बात को जानते हैं और इसको संज्ञान में लेंगे, और संज्ञान लेते हैं तो ठीक, अन्यथा उस पर विचार किया जाएगा। देख सकते हैं चुनाव का भी डेट जो है लंबा है, हमने लोगों से बातचीत भी किया है और घोसी चुनाव को लेकर लगातार हम यहाँ का अपडेट देते रहेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी हर जिलों से आपका खबर पहुँचाने की कोशिश मैं करूँगा। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।